नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं अजय कुमार। आई एम प्रशांत एंड हियर द मेन स्टोरीज फॉर द डे। चार चरणों के चुनाव के बाद की स्थिति, इस चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की हरकत, फानी चक्रवात तूफान और भारत सरकार के आपदा प्रबंधन की हालात, और दिल्ली और दक्षिण अफ्रीका में हो रहे सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। चुनाव 2019 आधे से ज्यादा रास्ता पार कर चुका है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 375 सीटों पर चार चरण में मतदान हो चुका है। यहां तक का चुनावी सफर कैसा रहा? वोटरों ने बालाकोट, सेना, फर्जी राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम पर वोट दिया या इन सबके खिलाफ वोट दिया? इस पर अपनी राय रख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश और सीमा मुस्तफा। स्वयं संघ और भाजपा के जो इनसाइडर हैं वो मान रहे हैं कि बीते हुए चार चरण के मतदान वाली जो सीटें हैं वो पार्टी को 100 से कुछ कम सीटें मिलेंगी। ऐसे में वो अगले तीन चरण में 100 सीटें भी नहीं पाती तो दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी? चुनाव के इस गणित की वजह विपक्षी दलों की मजबूती नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि विपक्षी दलों की मजबूती के कारण ऐसा हो रहा है। दरअसल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है कामकाज की, एक तो वो कारण है बहुत ही निराशाजनक, और देखिए विपक्ष बेहद बिखरा हुआ है। सांगठनिक रूप से देखिए तो दरिद्र है, धन शक्ति के मामले में वो बीजेपी के आगे बेहद विपन्न है, कमजोर भी नजर आ रहा है। फिर भी भाजपा नेताओं और उम्मीदवारों को ये गर्मियां क्यों झुलसा रही हैं? उसकी वजह, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक तो सरकार से लोगों की नाराजगी, आम लोगों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, दलित और सबाल्टर्न हिस्सों की जो नाराजगी है वो इस कदर है कि वो दिखाई भले ना पड़े लेकिन आप अंदर अगर जाइए तो आपको समझ में आता है। See, in 2014, you had the BJP and Modi contesting the election on development, on Swachh Bharat, on Make in India, in all those kind of slogans which had to do with a certain kind of development package, and people came on that. Last 5 years and this election, they're contesting on communalism and the isolation of communities very clearly. I mean, they're not even saying national security. The whole national security paradigm is connected with the local politics as well. If they get the mandate this time, then the mandate is for this, and this is much easier and very much part of the ideology to then pursue to its full hilt. That's you don't even have to pretend then for development because you didn't ask for the vote on development. मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कि आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में अरेस्टाई करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूं कि पुलवामा में जो वीर शहीद हुए हैं उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो मेरे शब्द नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री के शब्द हैं। यह शब्द उन्होंने अप्रैल के लातूर के चुनावी भाषणबाजी के हिस्से के दौरान अपनी चुनावी रैली के दौरान दिए। पहली नजर में कोई भी जागरूक इंसान इसे कह सकता है कि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे तमाम मामलों पर चुप रही और शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि इस समय केवल चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की रस्म अदायगी की जा रही है, चुनाव को अच्छी तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। इस पर अपनी राय रख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले। आज तक चुनाव आयोग के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चार शिकायतें आई है। इसमें से पहली शिकायत महाराष्ट्र में वर्धा में मोदी जी ने जो भाषण किया उसके बारे में थी। दूसरी शिकायत महाराष्ट्र में ही लातूर में उनके भाषण के बारे में थी, और तीसरी शिकायत राजस्थान में बाड़मेर में उनकी पब्लिक मीटिंग हुई उसके बारे में थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन भाषणों में मोदी जी ने आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए उनको क्लीन चीट देनी चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। मोदी जी के बारे में चुनाव आयोग का बर्ताव हमेशा इस प्रकार से ही रहा है। 2014 में आपको याद होगा मोदी जी के प्रचार के बारे में कई शिकायतें चुनाव आयोग तक पहुंची, लेकिन एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार चुनाव आयोग ने और एक घिनौनी बात की है। हर हफ्ते तीनों चुनाव आयुक्त एक बार तो मिलते हैं, नियम यह है कि उनको दो बार मिलना चाहिए, लेकिन इस बार 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक तीनों चुनाव आयुक्त
एक बार भी नहीं मिले मोदी जी और अमित शाह के बारे में जो शिकायतें आई है उनके बारे में सोच विचार करने के लिए। क्या सोचेंगे आप इसके बारे में? क्यों छोड़ा जा रहा है मोदी जी को? क्यों मीटिंग नहीं हो रही है? क्यों कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को अभी चुनाव आयोग को ये बताना पड़ा कि आप जो शिकायतें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में आई है उसका फैसला 6 मई के पहले ले ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेनी होगी। क्या ये हमारे चुनाव आयोग के लिए बड़ी खराब बात नहीं है? इससे चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म नहीं होती? मुझे लगता है इस चुनाव में चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी सबसे नीचे है। चक्रवाती तूफान फानी उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से बाहर निकलकर अपनी कमजोर अवस्था में बांग्लादेश की तरफ बढ़ चुका है। उड़ीसा में इसके चलते 12 लोग मारे गए। बंगाल की खाड़ी और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के इलाकों में साल के इन महीनों में चक्रवात आते रहते हैं, लेकिन इतनी मजबूत अवस्था वाला चक्रवात कभी कभार आता है। इस बार के फानी तूफान को सुपर फानी कहा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि चक्रवात के आंख की तरफ बढ़ रहे हवाओं की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी और इस तेज गति से चल रही हवाओं के कारण बहुत अधिक तटीय इलाकों में नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। साल 2008 में सुपर फानी बंगाल की खाड़ी के इलाके में आया था, जिसकी वजह से म्यांमार में तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस बार की सुपर फानी को भारत के अर्ली वार्निंग सिस्टम ने संभाल लिया, इसलिए बहुत कम नुकसान हुआ। राज्य और केंद्र सरकार को काफी पहले तूफान की जानकारी मिल चुकी थी। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर कर ली गई थी। इस बार 12 लाख लोगों को बचाया गया, 26 लाख लोगों को मैसेज कर तमाम जानकारियां दी गई। इसके अलावा 43,000 कर्मचारियों और वॉलंटियरों को हालत से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया था। गौरतलब है कि पानी के गर्म हो जाने की वजह से समुद्र पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवाएं आती हैं। जितना अधिक पानी गर्म होता है हवाएं उतनी तेजी से निम्न दाब के केंद्र में यानी चक्रवात की आंख की तरफ बढ़ती हैं। चक्रवात के मजबूत होने की संभावना उतनी अधिक होती है। भारत के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने इस स्थिति को भांप लिया था, इसलिए आपदा प्रबंधन की टीम ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उड़ीसा के तमाम तटीय इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया था। इस तरह के फानी तूफान से निपटना काबिले तारीफ ढंग से भारत सरकार निपट पाई, लेकिन अंत में सोचने वाली बात यही रहती है कि जलवायु परिवर्तन से विषुवत रेखा के आसपास के समुद्री इलाके आने वाले दिनों में और अधिक गर्म होते जाएंगे, मजबूत चक्रवात आने की संभावना बढ़ती जाएगी। क्या हम केवल इसे प्रबंधन के तरीके से संभाल पाएंगे? Our next story is about a protest by Safai Karmacharis at Delhi University. The protest broke out after these employees were terminated from their jobs without any explanation. A new company has been brought in to handle sanitation work at the university, and this company dismissed these employees, some of whom had been working for almost 10 years. Newsclick's Mukund talked to some of the students and employees of the protest. Here is what they had to say. Jo hamari Solam International company hai, wo sanstha thi. तो वो हमसे यहाँ काम कराती थी, तो हमने उनसे बोला कि भाई हमारा कुछ पीएफ दो, ताकि हमारा पीएफ कटे, दो पैसे कहीं जमा हो, हमारे बच्चों काम आए और वो हमें हमारे मुसीबत के टाइम पे मिल सके। तो हमने इंटरनेशनल सुलभ से बोला, तो उन्होंने बोला कि हम पीएफ नहीं दे सकते। तो हम पीएफ जब उन्होंने मना कर दिया तो हम लोग जो है कोर्ट में गए, सारे लड़के मिल के, करीब 40-50 लड़के कोर्ट में गए। वहाँ जाके हमने वकील से बातचीत करी कि भाई हमारे को पीएफ दिला जाए, तो हमारा कोर्ट में केस डाल दिया गया। उसके बाद 3.5-4 साल से कोर्ट में केस हमारा चल रहा था, हम वो केस जीत गए, तो इन्होंने फिर भी हमें पीएफ देने के लिए मना कर दिया। तो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये ठेका एक नेक्जन कंपनी को दे दिया। वो जो नेक्जन कंपनी आई तो उसने हमें बाहर निकाल के खड़ा कर दिया कि मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूँगा। तो हम डीआर के पास गए, हमने डीआर से बोला, डीआर ने भी मना कर दिया कि मैंने ठेका किसी और को दे दिया, वो तुम्हें रखे न रखे मैं नहीं जानता। उसके बाद हम रजिस्ट्रार के पास भी गए, रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, बीसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तब से हम यहाँ पे 1 तारीख से धरना दे रहे हैं अपनी नौकरी वापस मांगने के लिए। जिस डिपार्टमेंट में हम 11 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो हम तो उसी का अधिकारी हुए ना, ना कि सुलम इंटरनेशनल के। इन आवर इंटरनेशनल सेक्शन वी लुक एट येट अनदर स्ट्राइक by sanitation workers, this time in South Africa. At least one person was killed and over 30 people were arrested when police opened fire on striking protesters in the city of Durban on Thursday.
The strike by these employees has been going on since April 23rd. And frustrated by the lack of response from authorities, these workers began demolishing some dustbins as well as occupying space in front of the office of the municipality. The strike began after certain former members of the armed wing of the ruling African National Congress, who were hired in 2016 for this work, were given out-of-turn salary raises. The workers, under the banner of the South African Municipal Workers Union, demanded that everyone must be paid equally. When the authorities refused to respond, the workers began the strike. Frustrated by the authorities' failure to respond, the employees began protesting and staging sit-ins in front of the municipality office. A few days after the strike began, a pipeline was destroyed in a storm, but municipality authorities and some political parties were quick to blame the workers for this and suggested that harsh punishment must be given to the workers. On May 2nd, a day after International Workers' Day, the protesters moved to the city hall in large numbers. It was at this point that the police opened fire and tear gas at the protesters, leaving one person dead. However, union representatives were able to meet the city authorities, and further discussions on this issue are scheduled for Monday. That's all we have time for today. To find out more about these stories, check our website newsclick.in and subscribe to our YouTube channel. Shukriya, aap dekhte rahiye Newsclick.